दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका कार्ड जो है अप्रूव होगा कि डिक्लाइन होगा, कैसे आप जान पाओगे कितना परसेंट उम्मीद है। तो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारे देश में काफी लोग हैं जो कि हर लोग कार्ड लेना चाहते हैं अलग अलग बैंक का, बट यहाँ पे आपको बता दो कि हर बैंक की पॉलिसी रूल अलग अलग होती है। यहाँ पे जब आप लोग कार्ड अप्लाई करते हो तो उसके सुबह से ही आपके मन में ये चिंताएं होती हैं कि मेरा डेट ये था, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 मंथ हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं क्या करूं, क्या मेरा अप्रूव होगा। ये आपके मन में होता है और हमारे मन में भी हुआ था जब हमने कार्ड अप्लाई किया था। बट पहचान क्या इसकी है, चलिए पहले पहचान बताते हैं। अगर आपने कार्ड अप्लाई किया है, आपकी सिविल इंक्वायरी बहुत अच्छी है, आपका सिविल अच्छा खासा है, 780 है, 800 है, और आपका जो एरिया है अगर वो बैंक के अंडर में आता है, आपका पिन कोड अगर बैंक के अंडर में आता है, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड आधार कार्ड में दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, और आपका जो एड्रेस है वो गांव का नहीं सिटी का आता है, और आपने बैंक में अप्लाई करते टाइम बैंक कुछ इनकम प्रूफ भी दिया, जैसे सैलरी स्लिप हो गया, ITR दिया है, तो इस बेस पे आपको 95% चांस रहता है अप्रूव होने का, अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो। अगर आपने कार्ड अप्लाई किया और आपके सिविल 720 है, 30 है, और आपका गांव एरिया आता है, और आप कोई इनकम प्रूफ नहीं दिए, ओनली बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिए हो, तो इस हाल में आपका ओनली 50% रहे आपका अप्रूव हो जाए या डिक्लाइन हो जाए, तो इतनी उम्मीद करना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम पहले से पता क्यों नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया का कोई ऐसा पर्सन, ऐसा कोई इंसान या कोई ऐसा यूट्यूबर ये नहीं बता सकता कि आपका कार्ड 100% अप्रूव ही होगा, क्योंकि बैंक का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। जबकि सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं तो बैंक का पूरा सिस्टम उसे चेक करता है और ऑटोमेटिक वो डिसाइड हो जाता है कि आपका कार्ड अप्रूव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले से कोई बता नहीं सकता। बट मैंने आपको एक लीड दे दिया ओनली कि आप अगर आपके पास अगर इतने सारी चीजें हैं तो उम्मीद है अप्रूव होने का। अब यहाँ पे हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि भाई क्या प्री अप्रूव ऑफर अप्रूव होके क्या डिक्लाइन होता है? बिल्कुल होता है। अगर आपका कार्ड अप्रूव हो गया है और डिक्लाइन भी हो सकता है उसी टाइम, क्योंकि बैंक कभी कभी बैंक का जो सिस्टम होता है कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है, अगर मान लो ऑटोमेटिक अगर जैसे कि टेक्निकल इशू के वजह से अगर मान लो अप्रूव भी हो गया तो बैंक आका सिस्टम अगर चेक किया या कोई टीम चेक किया तो वहां पे उसे डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि बैंक की जो पॉलिसी है उसके अंडर में आपको आना जरूरी है। बट 100% प्री अप्रूव ऑफर में कार्ड मिलता है, ये आप समझ लीजिए। प्री अप्रूव ऑफर में कार्ड आपका डिक्लाइन बहुत कम चांस में होता है। ये होती है आपको कार्ड पहचान करने का तरीका कि आपका कार्ड अप्रूव होगा कि डिक्लाइन होगा। बट जो लोग कमेंट के पूछते हैं बार बार कि भाई मेरा ए डेट है क्या अप्रूव होगा, तो मैं इसी बात का आपको जवाब इस वीडियो में दिया हूं। अब फिर से आप कमेंट में ये मत पूछना कि मेरा डेट ये था, अप्लाई किया था, कोई मैसेज नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं क्या करूं। देखिए कभी कभी बैंक की वेबसाइट पे अगर आप ट्रैक करोगे तो वहां पे आपका डिक्लाइन शो करेगा। डिक्लाइन शो कर दिया, आप लोग घबरा जाते हो, यार मेरा तो डिक्लाइन शो करने लगा, मैं क्या करूं। देखिए जब जो बैंक का वेबसाइट होता है वहां पे अपडेट कभी कभी नहीं रहता है, सर्वर प्रॉब्लम, तो वहां पे वो अपडेट बैंक करता है कि हाँ आपका कार्ड प्रोसेसिंग में है या इन प्रोसेस में है, आपका अप्रूव हो गया है। तो अगर डिक्लाइन शो कर रहा है आप उसे 2 से 3 दिन बाद चेक करो, आपका इन प्रोसेस शो करेगा, क्योंकि वो बैंक ऐसा होता है सिस्टम में। तो कभी भी घबराना मत। अगर आपको कार्ड अप्लाई करते हुए ज्यादा समय हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो एक ही रास्ता है, आप ट्विटर पे जाओ, वहां पे अपना मोबाइल नंबर सारा आप इंफॉर्मेशन बता दो ट्विटर पे, और आपका वहां से रिप्लाई आएगा, चाहे कोई बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे कोटक हो, चाहे RBL हो। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप बैंक के कस्टमर केयर में कॉल नहीं कर सकते, विदाउट कार्ड का आप बात नहीं कर सकते। ओनली एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जो आप उससे बात कर सकते हो, बाकी बात करने कोई चांस नहीं होता है। कार्ड नंबर डालोगे तभी आप जाके वहां तक पहुंच पाओगे, तो इसके बिना तो पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए मेन ऑप्शन है ट्यूटर।
इसी के माध्यम से आप पूरा इंफॉर्मेशन ले पाओगे। तो शायद मैं आपको इस वीडियो में आपको बता पाया हूं कि अगर कार्ड अप्लाई किया है तो यही सारे तरीके हैं। फिर से आप ये सवाल कमेंट में मत करना, करोगे तभी रिप्लाई आपको हम करेंगे, बट मेरा रिप्लाई यही रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।